सबसे पहले मैं इसमें आग लगाऊंगा, उसके बाद इसको मैं अपने हाथों से आग को बुझाऊंगा। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो इसके पूरा आग लग गया है, तो इसको मैं अपने हाथों से आग को बुझाऊंगा। आप लोग ठीक है ये बुझ गया। उसके बाद क्या करना है, तुरंत ये जो रेगुलेटर है इसको बंद करना है। तो फ्रेंड्स अभी आप लोगों ने देखा इसमें कोई डरने वाली बात है बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पर ही आग लगेगा, यहाँ पर ही आग लगेगा ऐसे बात नहीं है, यहाँ पर भी आग लग सकता है, यहाँ पर भी आग लग सकता है, कहीं पर भी आग लग सकता है। तो उस आग को हम लोग कैसे बुझाएंगे, मैंने जो एक स्टेप आप लोगों को दिखाया और दूसरा स्टेप दिखाएंगे, क्योंकि आप लोग शायद ऐसे आग को नहीं बुझा सकते हो, और क्या पता आप उस टाइम रेगुलेटर के पास आप लोग जा भी नहीं सकते क्योंकि उसमें शायद कुछ हो भी सकता है। तो आप कैसे इस आग को बुझाएंगे, ठीक है, मैं फिर से दिखाने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इस आग को मैं कैसे बुझाऊंगा आप लोग देख सकते हो, ठीक है। उसके लिए कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों का जो हाथ यहाँ तक नहीं आएगा, तो आप लोग ये कर सकते हो, इसको मतलब फोल्ड कर सकते हो, बैंड कर दीजिए, तो क्या होगा ये देखा मैंने बैंड कर दिया, देखा तो ये बंद हो गया। तो डरने वाली कोई बात है इसमें, आप लोग आसानी से इसको कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया दूसरा तरीका, उसके बाद मैं रेगुलेटर को बंद कर दिया। अभी मान लीजिए यहाँ पर आग लग गया, यहाँ पर ये पूरा आग जल के मतलब इसमें जल के ये पूरा खत्म हो गया, यहाँ तक आ गया। इस आग को मैं कैसे बुझाऊंगा आप लोग देख सकते हो, ठीक है, पूरा प्रेशर में है, ठीक है। डरने वाली कोई बात नहीं, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने हाथों से इस रेगुलेटर के पास जाके इसमें बंद कर देना है, है ना, बिल्कुल आसान है ना। उसके बाद क्या करना, इस रेगुलेटर को बंद कर देना है। मैंने रेगुलेटर बंद कर दिया, ये हो गया तीसरा तरीका, ठीक है। आग जल रहा है पूरा, तो आप मतलब अपने हाथों से डर रहे हो, तो एक काम कर लो, अपने हाथ को एक कपड़े से लपेट लो, उस कपड़ा को पहले पानी में भिगो लो, उसके बाद क्या करना, हाथ को पूरा रैप करना, और रैप करके अगर आपको डर लगे तो इसके पास जाना, जाके इसको पूरा इसका जो जिस वजह से ये गैस निकल रहा है उसको बंद कर देना है, सिर्फ ऐसे ही। बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं, आराम से कर सकते हो, मैं कर रहा हूँ, 1 2 3 देखा, आप लोग भी कर सकते हो, बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं अभी क्या करूंगा, इसका जो रेगुलेटर को जो है वो मैं बंद करने वाला हूँ, मैं बंद कर दिया, ठीक है। मैंने कहा था कि ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है मेरे पीछे, इन सब के बिना हम लोग इस सिलेंडर की आग को आसानी से बुझा सकते हैं, है कि नहीं। मैंने आप सभी को स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ एक स्टेप था और बहुत कुछ है। अभी मैं बताऊंगा, आप सबके घर में बाल्टी है, ये जो बाल्टी है इसी के मदद से भी आप लोग एलपीजी सिलेंडर का जो भयानक जो आग है इसको भी आप लोग बुझा सकते हो आराम से। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे आग जल रहा है, ठीक है, तो ठीक इसी के ऊपर ऊपर से इसको क्या करना है, थोड़ा सा जोर से इसको यहाँ पे मारना है ऐसे, 1 2 3 ठीक है। मैं अभी प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ आपसे। फ्रेंड्स आग लग गया है, मेरे पास एक्सटिंग्विशर भी नहीं है और कोई भी तरीका मुझे याद नहीं है, सिर्फ बाल्टी है मेरे पास। तो आप लोग देख सकते हो कि बाल्टी से मैं कैसे इस आग को बुझाने वाला हूँ। रेडी, 1 2 3 देखा, लेकिन मैंने रेगुलेटर बंद नहीं किया, गैस जा रहा है, ठीक है। अभी मैं रेगुलेटर बंद करने वाला हूँ। फ्रेंड्स फिर से आग लग गया है, मेरे पास बाल्टी नहीं है, ठीक है, तो मेरे पास क्या है, एक ब्लैंकेट है या फिर हम सब के घर में चादर है, बेडशीट है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, इस कंबल के माध्यम से इस आग को बुझाएंगे। 1 2 3 देखा, लेकिन मैंने रेगुलेटर बंद नहीं किया, अभी करने वाला हूँ, ठीक है, कर दिया, ओके। फ्रेंड्स इसमें घबराने वाली कोई बात है, आप मुझे बताइए, डर लगता है आप सभी को, आप लोग ये डरने की कोई बात नहीं, मैं आसानी से कर रहा हूँ, आप लोग भी कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो।